सो इफ यू आर अ बिगिनर इन बॉडी बिल्डिंग एंड मसल बिल्डिंग तो आपको एक बात importance तो की इंपॉर्टेंस तो पता चल गई होगी एंड दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ डायट बट जितनी इंपॉर्टेंट आपकी डाइट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है द थिंग दैट यू कंज्यूम जस्ट बिफोर योर वर्कआउट क्योंकि अच्छी डायट के साथ अगर आप अच्छे से वर्कआउट ना कर पाओ अच्छे से अपने सेट्स सेटअप्स कंप्लीट ना कर पाओ तो कहीं ना कहीं वो सारी मेहनत जो आप कर रहे हो डाइट कंज्यूम करने में वर्कआउट प्लान करने में वो उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी सो so इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी एक प्री वर्कआउट मील बेसिकली लिक्विड कैलोरीज जिसे हम कहेंगे जो कि आई एज ए बिगिनर ट्राइड और मुझे बट इट इज बेसिकली मेरे ओट्स मिल्क पीनिया बर्गर एंड बनाना और एनी अदर फ्रूट ऑफ यूर चॉइसिय गोल हियर इज टू कंज्यूम एज मच कैलरीज एंड प्रोटीन एज पॉसिबल बिफोर वर्किंग आउट ताकि हमारी बॉडी को इतनी एनर्जी मिले कि हम अच्छे से अपने सेट्स से या रेप्स कंप्लीट कर पाएं और एक से डेढ़ घंटे की, की वर्कआउट प्रॉपरली कर पाए विदाउट गेटिंग ड्रेंच एंड स्ट्रेन सो हियर इज द रेसिपी ऑफ द स्मूदी सो बेसिकली ये स्मूदी के चार प्राइम इंग्रीडियंट है मुझे फिफ्टी ग्राम ओट्स टेबल स्पून ऑफ पीनियर बटर ऑफ योर चॉइस कुड बी ऑफ एनी ब्रांड बट ट्राई टू ऑलवेज गो फॉर अ गुड ब्रांड द थर्ड इंग्रीडियंट इज वन मीडियम टू बिग साइज बनाना एंड देन टू फिफ्टी एम एल ऑफ होल मिल्क करना क्या है कि आपको इन चारों इंग्रीडियंट्स को ब्लेंडर में मिक्सी में ब्लेंड कर लेना है एंड में इसका एक बहुत ही गाढ़ा शेक बनेगा जो कि आपको कंज्यूम करना है अबाउट 30 टू 45 मिनट्स बिफोर वर्कआउट क्योंकि ये शेक काफी हैवी है काफी ज्यादा फिलिंग है इसको तुरंत पी के मत जाना कम से कम आधा घंटा या बेस्ट है 45 मिनट्स पहले वर्कआउट करने के इसको पीना ताकि ये प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए और आपको इनफ एनर्जी दे पाए अगले 1 से 2 घंटे के लिए अब हम बात करते हैं इसके मैक्रोस की जो इस शेक में पैक जाती हैं। द फर्स्ट थिंग अबाउट इज ओट्स सो 50 ग्राम्स ऑफ ओट्स विल गिव यू अबाउट 194 कैलोरीज एंड 8.4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन

Grams of Ab ye total hota hai about 539 आप देखो एक यू नो मसल बिल्डिंग माइंडसेट के हिसाब से बिकॉज यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट 500 सौ कैलोरीज साढ़े पाँच सौ कैलरीज एंड अबाउट बाईस ऑफ प्रोटीन विच इज अमेजिंग स्पेशली इफ यू वॉन्ट टू कवर द गैप अगर आपकी डाइट में कहीं कही ना कहीं कुछ ना कुछ छूट रहा है और अगर आप अपनी प्रोटीन नीड्स को मीट नहीं कर पा रहे हो देन दिस शेक विल हेल्प यू टू डाउट यू कैन एड इन एडिशनल स्टफ यू कैन ऐड टू बनाना यू कैन ऐड डेट्स यू कैन एड आमं अब इसमें जो ऐड करना है करो और उस चीजों के माक्रोव्स के हिसाब से इस शेक की जो ओवरऑल कैलरिक कंटेंट है प्रोटीन कॉन्टेंट है जो मैक्रोव है वो बढ़ते जाएंगे एंड दिस शेक इज अमेजिंग अब मैं क्या करता हूँ आई टेक इट बिफोर वर्कआउट और आई ईदर टेक इट इन द मॉर्निंग बिकॉज सुबह उठते कभी कभी नाश्ता करने का मन बिल्कुल नहीं करता है एंड कंज्यूमिंग लिक्विड कैलरीज एट दैट मोमेंट इज द बेस्ट थिंग टू डू और जब मैं ऐसा करता हूँ जब मैं ये जो शेक है स्मूदी इसको सुबह कंज्यूम कर लेता हूँ तो मैं वर्कआउट के पहले जो कि मैं करता हूँ मोस्टली शाम को तो वर्कआउट के पहले आई कंज्यूम अ नॉर्मल बनाना शेक यूजअली कंजेस्ट ऑफ एक या दो बनानाज एंड अबाउट ढाई सौ एम एल ऑफ मिल्क और समर सीजन है अभी सो द बेस्ट थिंग इज मैंगो शेक वेसिकली वन मैंगो का जितना भी शेक बनता है अच्छा गाढ़ा एंड आई टेक अबाउट सात सौ सात सौ पचास एम एल ऑफ इट अब मैंगो शेक के बहुत फ़ायदे हैं अगर आप इसको लेना चाहो तो पहली बात तो इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं प्रॉपर रिकवरी में और प्रॉपर एनर्जी देने में आपको वर्कआउट के वक्त एसेंशियली इसकी इसकी जो कैलोरी कंटेंट है इसका जो प्रोटीन कंटेंट है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू द स्मूद डिस्कस्ट अबाउट बिफोर बट इफ़ यू वॉन्ट समथिंग जस्ट टू ड्रिंक एंड समथिंग फन टू ड्रिंक अगर आप वो जो ओट्स वाला शेख हाँ आप उसको सुबह पी रहे हो या तो आपकी जो प्रोटीन नीड्स या कैलरिक नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं बट स्टिल टू गिव इट एट एक्स्ट्रा किक बिफोर वर्कआउट यू कैन कंज्यूम दिस स्मूदी विच इज़ मैंगो स्मूदी सबसे मेजर बेनिफिट है मैंगो शेक का कि इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है जो कि बूस्ट करता है सिंथेसिस जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और इसमें इतने एंटीऑक्सीडेंट्स हैं कि आपकी बेटर रिकवरी होती है वर्कआउट के बाद सेकेंडली इसमें है अबंडेंस में वाइटामिन के जो काफी कि स्टडीज ने काफ़ी जगह प्रूव किया है कि वाइटामिन के इन योर ब्लड कैन बूस्ट योर मसल साइज एज वेल फिर इसमें आता है वाइटामिन बी सिक्स जो कि हेल्प करता है आपकी जो पूरी फूड इनटेक है वर्कआउट के पहले या आपने जो भी खाया इंक्लूडिंग द मैंगो शेक द वाइटामिन बी सिक्स एनजोर्स की वो सब अच्छे से एनर्जी में कन्वर्ट हो और आपको प्रॉपर एनर्जी और मेटाबॉलिजम मिले वर्कआउट करने के वक्त तो क्या यही कुछ रीजनज हैं बिच में एक मैंगो स्मूदी एंड अमेजिंग एडिशन डाइट प्लान एडिशन टू योर मील प्लान एंड बेस्ट 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 चॉइस एज अ प्री वर्कआउट ड्रिंक आई वुड रिकमेंड की आप मैंगो शेख दो में एक तो जब आपका जो डायट गोल्स है पूरी हो रही है और आप इसको एज ए सप्लीमेंट यू uh, नो you know, ड्रिंक पी रहे हो जस्ट टू गेट बेटर रिजल्टली और सेकेंड सिटुएशन यह कि अगर आपकी जो कैलोरी या प्रोटीन कंटेंट में बहुत ही कम गैप बचा है मीट होने में बिकॉज आई थिंक अबाउट 700 सौ एम एल मैंगो शेक विल गिव यू अबाउट साढ़े सात ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड अबाउट uh, दो सौ ढाई सौ कैलोरीज सो so अगर ये छोटा गैप बचा है देन ओनली कंज्यूम मैंगो शेक बिकॉज ये आपको वो 22 24 ग्राम की जो गैप है प्रोटीन की वो कवर अप करने में हेल्प नहीं करेगा उसमें आपकी हेल्प करेगा वो ओट्स वाला शेक जिसके बारे में हमने बात की इस वीडियो के इनिशियल फेज में सो so ये थे वो अमेजिंग दोस्त बेस्ट वे रखो कि आप इसकी जो रेसिपी है आप इनग्रीडियंट्स ना लो उतना है ट्राई टू फाइंड इट इफ पॉसिबल मैंडटरी नहीं है ये एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेक श्योर कि आप इनको डेली पियो ताकि आपकी जो नीड्स हैं गोल्स हैं वो मीट हों और कहीं कोई गैप ना छूट जाए बिकॉज लिक्विड कैलोरीज कंज्यूम करना इज़ द बेस्ट 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 कोर्स ऑफ एक्शन टू टेक अगर आप सॉलिड खाना अगर आप लंच डिनर या आप किसी और मील्स को खा खा के परेशान हो गए हो नहीं खा पा रहे हो और कंज्यूम लिक्विड कैलोरीज शेक्स बनाओ स्मूदीज बनाओ एंड दीज थिंग्स विल हेल्प यू आर लॉट इन जस्ट मीटिंग योर डाइट गोल्स सो इन दी एंड आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंसाइटफुल लगी हो काफ़ी हेल्पफुल लगी हो और इसके अलावा अगर आपको स्टिल कोई सजेशनस हैं क्वेरीज हैं क्वेश्चन हैं जो भी है लीव योर कॉमेंट डाउन एन आल रिप्लाई टू यू सून आप मुझसे मेरे इंस्टा पर भी कनेक्ट कर सकते हो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ई का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यू कैन यूज इट एज वेल वेल अभी के लिए इतना ही अंटिल नेक्स्ट टाइम सी यू सून स्टे फिट स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग